ते आज आपां नवा चैप्टर करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, एज चैप्टर शुरू करते हैं आपां। तैयार ने सारे? ठीक है, ये थ्योरी लिखी है कुछ नहीं, चक्कर नहीं। बस एज चैप्टर ना बस दो चीज़ों से डिपेंड करता है, दो चीज़ों उत्ते बेस है। एक तो हैगा इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन तुसीं थोड़ी बहुत बनानी सीख ली है ना, परसेंटेज बनाई आपां, पार्टनरशिप से बनाई है, थोड़ा बहुत आ गया थोनों। एक भी सी इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन उपर, ते सेकंड है एजेस। ये तुसी बेसिक फंडा समझना है। इसनों पहला भी मैं दस्या सी, एक सवाल पूछा सी मेरे ख्याल रवि ने, बई तुसी हो ते सोडा ब्रदर है, जे सोडे ब्रदर दी अज उम्र 20 साल है ते तुहाडी एज अज 15 साल है, मैं 5 साल बाद दी गल करा, ठीक है, तो सोडी एज किन्नी होजू 25 साल, तो सोडे भरा दी एज किन्नी होजू 20 साल होजू। कहिंदा मतलब दोहां दी उम्र की होगी, इनक्रीज होगी। ठीक है, जिन्हें भी साल अगे आना है हरेक की उम्र उन्ने उन्ने साल इनक्रीज करनी है तुसी, हरेक की। आए नहीं भी एक की आपदी कर ली छोटे की करी नहीं, ज छोटे की कर ली आपदी नहीं करी। ठीक है, उही जे तुसी पिछे जाना भी 5 साल मैं पहला की गल करा, तो की होगा भी सोडी उम्र जे अज 20 साल है तो पहला 5 साल पहले कि 15 साल, तो सोडे छोटे भाई की किन्नी होगी 10 साल होगी। ये कंसैप्ट से उदो दस्या जिन्हें प्रॉब्लम लगाइया से ना, उदो प्रॉब्लम यह कंसैप्ट मैं दस्या। ठीक है, सिंपल जी गल है, बेसिक जहा फंडा, होर कुछ नहीं। चलना लो भी चलते आप सवाल ना चलते हैं, सिंपल जी गलां ने। ठीक है, सोनू सारी टाइप्स आप क्लीयर करा दें। लो भी पहले सवाल के आ जाओ, चलना लो भी चलते हैं, कि तुम इन्ने वधिया तरीके कह रहे हो। लो भी एज ऑफ द फादर कितने आ, एज ऑफ द फादर 3 ईयर अगो, बई 3 साल पहला फादर की एज वाज 7 times द एज ऑफ हिज सन। 3 साल पहला फादर ते सन दी एज दी रेशो किन्नी सी, फादर 7 times सी तो सन किन्ना होगा 1 time। ठीक है ना, सन जे 1 साल का सी तो फादर किन्ने साल का होगा, 7 साल का होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट, हुण भी प्रेजेंट का मैं तीर लगा लिया, इदा द फादर एज इज 5 times डैट ऑफ हिज सन। अज के टाइम फादर ते सन की रेशो कितनी है, भी फादर 5 times है सन नालों। ठीक है, वट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन, प्रेजेंट एज पूछेगी दी फादर ते सन दी। बेसिक जिहा सवाल है, की है भी तुसी सवाल कितों शुरू करना है, तुसी सवाल शुरू करना है प्रेजेंट तो। ठीक है, प्रेजेंट रेशो सू आ दे रखी है। ओके, लो भी फादर की 5 सन की 1, मैं कह लिया भी 5x ते 1x होगी, फादर की उम्र 5x, सन की उम्र 1x, लो भी फादर ते सन 5x 1x। ये भी उम्र, यह रेशो जी है दिती है, एक दो दी रेशो है, 3 साल पहला दी है, तब भी 3 साल मैं फादर की उम्र घटा दा, तो 3 साल मैं सन की उम्र भी घटा दा। ठीक है, दोनों की उम्र घटूगी। ओके, रेशो किन्नी सी 3 साल पहला भी 7:1 सी। लो भी इक्वेशन अपनी बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x 3 7x 7 21। लो भी एक्स की वैल्यू कढ़ो किन्नी आ जूगी, 2, इत्थे आ जू 18, एक्स की वैल्यू आ गई 9। बी एक्स कौन मन्ने से आपां, सन, सन 1x, मतलब सन किन्ने दा आ गया भी 9 साल का, फादर किन्ने दा आ गया भी, एक्स की वैल्यू पुट करो 9 5 45 साल का, भी 45 साल का फादर हो गया, सन हो गया 9 साल का। सिंपल है भी, आपां प्रेजेंट तो सवाल चक लिया, क्लीयर है, बेसिक जिहा सवाल है, कुछ भी नहीं इहदे च खास गल है नहीं। सैकेंड सम, लो भी एट प्रेजेंट, अज भी प्रेजेंट रेशो, द फादर ऑफ द, सॉरी, द एज ऑफ द फादर इज 5 times द एज ऑफ हिज सन। फादर ते सन की रेशो किन्नी है, 5:1 है। ठीक है, 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद भी हैंस हुंदा है बाद। ठीक है, 3 साल बाद द फादरज एज वुड बी 4 times डैट ऑफ हिज सन। फादर ते सन की रेशो किन्नी होगी भी, 4:1 हो। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर ते सन की प्रेजेंट एज पूछी है भी। ओके, ठीक है, की कहा सी भी मैं, प्रेजेंट चो तुसी सवाल शुरू करना है, प्रेजेंट रेशो आ सी भी, मान लो फादर की उम्र 5x, सन की 1x, लो भी फादर ते सन 5x ते 1x, ए रेशो कदों दी है भी, 3 साल बाद दी, तो 3 साल उम्र दोहां दी आपां वधा दीए, कादे बराबर रखी आपां रेशो, 4:1 दे।
ठीक है, बस सिंपल है, एक्स की वैल्यू तुसी कढ़ो भी किन्ना आ जाऊगा, एक्स 9 आ जाऊगा, एक्स की वैल्यू 9 भी। लो भी सन किन्ने का आ गया वैल्यू पुट करके 9 साल का, फादर किन्ने का आ गया 9 5 45 साल का। ठीक है भी, पिछले च की सी, पिछले च उन्हें कहा कि जिहड़ी रेशो है 3 साल पहला दी सी तां पावर की करता सी माइनस करता सी, ऐतकी कहिंदा हैंस बाद दी रेशो दी है तां ऐतकी आपां प्लस करता। सिंपल है, कुछ भी नहीं, बड़ी गल है नहीं कोई। क्लीयर है भी, मैसेज करो मैनू। लो भी अगला सवाल चला, तीजे सवाल च स्टार लगाओ। लो भी सुनो तीजा सवाल, मैं दसदा थोनू, अजय हौली हौली जी चली जाता है। लो भी तीजा सवाल सुनो, ध्यान नाल सुनो भी, ठीक है। 3 ईयर अर्लीयर, 3 साल पहला, ठीक है, फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। फादर ते सन दी रेशो किन्नी सी भी, 7:1 सी। 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद हैंस है ना, द फादरस एज वुड बी 4 टाइम डैट ऑफ हिज सन। फादर ते सन दी रेशो किन्नी सी भी, 4:1। वट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। प्रेजेंट एज पूछी है भी कि दी, फादर ते सन दी पूछी है, ठीक है। पहला तो आम तरीका देखो किमें है, ठीक है, जिमें आप पहला समझाया भी तुसी प्रेजेंट एज तो शुरू करना है, ठीक है, प्रेजेंट रेशो तो सवाल शुरू करना है। हुण तुसी देखोगे भी सर जी ये तो 3 साल पहला दी रेशो है, ये 3 साल बाद दी रेशो है, प्रेजेंट तो है ही नहीं, तो भी तुसी प्रेजेंट एज मान लो, भी प्रेजेंट एज फादर की एक्स मान लो, सन की वाई मान लो, जा एफ एस सी रहन दो, कोई चक्कर वाली गल नहीं, ठीक है। लो भी पहली इक्वेशन बनाओ, फादर ते सन, ठीक है, यह कदों की रेशो है भी 3 साल पहला दी, तो 3 साल मैं पहला पा जाना, कादे बराबर है भी 7:1 दे है। दूजी इक्वेशन भी फिर मैं एक्स वाई तो प्रेजेंट रेशियो शुरू कर रहा हैं, यह भी 3 साल बाद दी रेशो है, तो 3 साल अगे आ जाना, ठीक है, ओके भी। फिर भी रेशो कि बराबर होगी, 4:1 के बराबर होगी। लो भी इन्हू सोल्व करो, एक्स वाई दे सुट दई जी वैल्यू आ जूगी, वो की है आंसर है, ठीक है, सोल्व तो कर दोगे भी इनू, इन सोल्व करो तुम 7 y 7 21, इन सोल्व करो भी सारे आपदा आपदा, ठीक है। पहली इक्वेशन ये बन गई, दूजी इक्वेशन भी बोलो बोलो करो भी, सॉरी 4 y तो बन जूगी, उधर जाके घट जो 9 बन जू ना, ठीक है। दूजी इक्वेशन ये बन गई, दोहां नू की करो भी सबट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज कर देने हुन्ने आपां, पता होगा है ना। लो भाई ये आ गया -3 y कि नहीं, ठीक है, ये आ जूगा 27 -10, y दी वैल्यू आ गई 9 आ गई भाई, y दी वैल्यू 9 आ गई, y आपां की मन्निया सी सन मन्निया सी, तां सन दी उम्र आ गई 9 साल। फिर भी रह गया कौन, फादर, फादर की है एक्स है, तो भी ये वाई की वैल्यू भावें ये पुट कर दो भावें ये पुट कर दो, फादर आ जूगा, वाई की वैल्यू आ जूगी 45 आ जूगी पुट करने बाद, ठीक है, समझे भी बई। आह वाला तरीका क्लीयर है ना, पहला वाला मैं तरीका की है, सिंपल है भी प्रेजेंट तो शुरू कर लो, जो प्रेजेंट दे रखी उन्हें तो एक्स वाई एक्स मान लो, ठीक है, जे 3 साल पहला दी है, जो जिन्हें भी साल पहला दी है तो उन्ने साल घटा दो, जो अगे दी है तो उन्ने साल वधा के उन्नी रेशो के बराबर लिख लो इक्वेशन, ठीक है। जे नहीं दी प्रेजेंट तो एक्स वाई प्रेजेंट मान लो, ठीक है, कोई खास गल नहीं। हुण यही सवाल दोबारा तुसीं ध्यान नाल सुनो, सुनो भी ध्यान नाल, कादे नाल सुनोगे, ध्यान नाल सुनोगे। लो भी मैं सवाल इन्ना तार लैना बस, भी फादर दी ते सन दी 3 साल पहला दी रेशो सी 7:1, ते 3 साल बाद दी रेशो सी 4:1, ठीक है। फादर ते सन दी रेशो, ओहो सॉरी एज पता करनी है, प्रेजेंट हो भी। मैं आ तरीका नहीं लाऊंदा भी, मैं एक्टर बनता, ठीक है, किवें एक्टर बनता, मैं कहना 3 साल पहला वाली ही मैं एक्स वाई मान लैना, ठीक है। अच्छा 3 साल पहला फादर सी 7 ते सन सी 1,
मैं कहना फादर की उम्र होगी 3 साल पहले ना 7x ते सन दी होगी फिर 1x। ठीक है लो भाई फादर ते सन 7x है ते सन की उम्र 1x है। कदों की उम्र है ये 3 साल पहले दी, तो मैं 3 साल अगे आवा हूँ तुसी कितने पहुँच गए भी, हूँ तुसी प्रेजेंट एज दे विच पहुँच गए, ये भी प्रेजेंट उम्र आ गई फादर दी, ये आ गई प्रेजेंट सन दी। हुण ए रेशो कदों दी है, ए रेशो 3 साल होर अगे दी है प्रेजेंट तो 3 साल बाद दी, तां 3 साल होर अगे आ जाओ भी की दिक्कत है कि नहीं। हुण तुसी कितने आ गए, कितने आ गए भी प्रेजेंट तो 3 साल होर अगे आ गए, मतलब हुण तुसी इहनूं 4:1 दे बराबर कह सकते हो कि नहीं। ठीक है लो भी सॉल्व करो, 7x 3 3 6, 4x 3 3 6 6 चुका है 24। लो भी ये इधर चल जूगा किन्ना आ जूगा 3x। ठीक है ये उधर जाके घट जू किन्ना आ जू 18, किन्नी आ गई भी x की वैल्यू 6 3 18, x आ गया 6। लो भी वैल्यू पुट करो, सन किन्ने का आ गया 1x 6 साल का, फादर किन्ने का आ गया भी 7 6 42 साल का, ये आंसर है ना भी। हुण देखो इत्थे ध्यान रखना तुसीं, जदों तुसीं इत्थे x x मान लिया ना, ठीक है 3 साल पहलां तो चले हो, तो जिहड़ा आह तुहाडा आंसर है ये 3 साल पहलां दा आंसर है। उहने की पुछिआ है, उहने पुछिआ प्रेजेंट एज, इह भी 3 साल पहलां सन सी 6 साल का, 3 साल पहलां सी फादर 42 साल का, तो 3 साल तुहानूं अगे आना पऊगा, 3 साल बाद फादर की एज किन्नी होगी 45 साल, 3 साल बाद सन की एज किन्नी होऊ 9 साल, ये आंसर है भी। ठीक है भी समझे गल, मैनू दस्सो माड़ी जी 45 9। अच्छा भी ठीक है उन्हें दसता रवि ने, ये वाला मैनू दसो तरीका, आह सही है आह वाला छोटा पै गया भी, दो इक्वेशन च जाने की लोड़ पई नहीं अपन नू, दसो दसो जल्दी दसो भाई। देखो मेरी गल सुनो, ये तो मैं पिछले साल की उम्र मान के करती वो, ठीक है हुण मैं यही चीज़ है उही पिछला सवाल मैं तारदा, पहला मांगू की सी भी 3 साल पहला दी सी फादर ते सन दी किन्नी सी 7:1 सी शायद ना, ते 3 साल बाद दी दे रखी सी फादर ते सन दी किन्नी सी भी 4:1 सी, इन्नी सी ना 7 1 4 1, हाँ ठीक है। मैं भी यह इधरले पासे दे सवाल मान के कर लिया, ठीक है ना, आसे 7x 1x 3 साल पहला दी मान ली, तुसी भी इत्थों भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, इत्थों 3 साल अगे तो कह दो भी 4x 1x फादर ते सन किन्नी उम्र है, 4x 1x फादर ते सन की उम्र है, कदों की उम्र है भी ये 3 साल बाद दी है, वह भी प्रेजेंट तो, ता तुसी 3 साल बैक जाओ कित्थे पहुँच गए तुसी, ये तुसी प्रेजेंट ते पहुँच गए, ठीक है फादर ते सन की उम्र प्रेजेंट आ गई। ये रेशो कदों दी है, 3 साल होर पहला दी है, तो 3 साल तुसी होर पहला जंप मार लो, कि बराबर है भी रेशो 7:1 है, आंसर करो भी वैल्यू कडो यदी, ठीक है जिन्ना भी आ जूगा ये चलो सॉल्व कर लो, 7 6 42 इधर आ जू 3x 42 इधर आके प्लस हो जाएंगे, 2 4 कि जू 36 है ना, एक्स कि आ गया 12, बई एक्स की वैल्यू पुट करो, सन किन्ने साल का आ गया 12 साल का, फादर किन्ने का आ गया 12 4 48 साल का। हूँ देखो ये आंसर है, ये आंसर नहीं है बई, ये तुसी कितों सॉल्व कराया सी सवाल, सवाल तुसी सॉल्व कराया सी 3 साल बाद तो, ता जड़ी ये उम्र आई है ये भी 3 साल बाद दी उम्र आई है, उन्हें पूछी है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज की होगी भी सोनू 3 साल पिछे जाना पऊगा। ओके है भी, कितरों मर्जी की कन्न फड़ लो सवाल का, आंसर तो उही आओ। ओके है दसो मैनू, हुण दसो भी दोहे तरीके ओके ना, क्लीयर सारा नू, ठीक है पेपर जो तुसी आ वाला तरीका लगा के आना, ना कि आ वाला तो आराम आम बंदा हरीक ही लगाऊगा, सारी का ओके, महेश जी ओके है, ठीक है समित एक बार रिपीट कर दो, रिपीट कर दिए केड़ा वाला रिपीट कर दिया, समित समित आ वाला तो क्लीयर है ना, ये 3 साल पहला तो आप शुरू कराया सीगा, ठीक है तो जिहड़ा आंसर आऊगा वह भी 3 साल पुराना आऊगा, उन्हें पूछे से प्रेजेंट, तो 3 साल आप अगे अगे ऐड करता वो आंसर होया 3 साल अगे ऐड कर दो, ठीक है फिर जरा ये करे आप रेशो मैं जी उम्र सी इतों शुरू कर लिया, सवाल आप इतों शुरू कर लिया,
ठीक है, 3 साल बाद, तो प्रेजेंट तो 3 साल बाद दी रेशो, तो चार एक्स एक एक्स की होगी, फादर सन की उम्र होगी, ये 3 साल बाद दिया, तो 3 साल मैं पिछे आ गया, ये पिछे आने तो बाद की होया मैं प्रेजेंट उत्ते पहुंच गया, पर ए रेशो प्रेजेंट तो भी 3 साल पिछे दी है, तो 3 साल मैं होर घटाता, बराबर का दे 7:1 दे। हुण जो तुसी सॉल्व करिया फादर ते सन 12, फादर सन आ गया 12 साल का, फादर आ गया 48 साल का, ये की आया कदों की उम्र आई है, 3 साल बाद की उम्र आई है, क्योंकि तुसी सवाल भी 3 साल बाद शुरू करिया सीगा, ठीक है, तो फिर तुसी 3 साल पहला पिछे नहीं जाओगे इनू, ठीक है, ता ही प्रेजेंट एज ते पहुंचोगे हुण, ठीक है सुमित। हाँ बी समझ गए ना तुसी गलबात, मैं लगता तुसी समझ गए। चौथा सवाल करके दिखाओ जल्दी, ठीक है भाई, कोई खास गल नहीं, मैं कह सी प्रेरणा तो शुरू कर लो नॉर्मल सवाल, तो ए भी उम्र होगी 4x 1x होगी मैन ते सन दी, ए जिहड़ी रेशो आ वाली एक कदों दित्ती होई है, 5 साल पहला दित्ती है, तो 5 साल पिछे चले गए, रेशो आ गई 9:1 दे बराबर आ गई इक्वेशन थोड़ी, सॉल्व करो एक्स की वैल्यू कितनी आ जूगी, एक्स की वैल्यू 8 आ जू, मैनू लगता ना 8 आ जू, तो मैन किन्ना आजू, 8 चौगा 32 आ जू, सिंपल है कुछ भी नहीं भी, ठीक है। लो जी 5 नंबर सवाल चलना पढ़ो भी, कहिंदा आफ्टर फाइव ईयर भी, आफ्टर फाइव ईयर 5 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ सन, फादर ते सन दी रेशो कितनी होगी, 3:1 होगी, वेयर एज 5 ईयर अगो 5 साल पहला ही वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तभी फादर ते सन दी रेशो कितनी होगी, 7:1 होगी, वट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज पूछे भी फादर ते सन दी दसो कितनी होगी, ठीक है, केड़ा सवाल है ये, जड़ा है मैं थर्ड सवाल कराया सी इत्थे, आ वाला सवाल है, दो तरीके नाल होगा ये, जां तां एक्स वाई मान के, ठीक है, दूजा मैं की कहा सी, जां तां इत्थों शुरू कर लो जां इत्थों शुरू कर लो, लो भी किवें करिया सी आपां, इत्थों स्टार्ट करिए 5 साल बाद दी रेशो तो, ठीक है सुमित समझ लियो, 5 साल बाद तो आप शुरू करते हैं, फादर की उम्र आप मान लें 3x, सन की मान लें 1x, लो भी फादर ते सन 3x ते 1x, एक कदों की उम्र है, 5 साल बाद की उम्र है, तो जे मैं 5 साल पिछे आ जा तो कितने पहुँच गए तुसी, प्रेजेंट ते पहुँच गए, है ना, प्रेजेंट उम्र आ गई फादर की ते सन की, हुण ए रेशो कदों की है भी, 5 साल होर पहला दी है प्रेजेंट तो, तभी की करना तुसी 5 साल होर मगर भग जाओ, कितने पहुँच गए तुसी 5 साल पहला, तो इन रेशो का बराबर आ गई हूँ 7:1 दे, सिंपल इन सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 चौके 60, एक्स आ गया 15, एक्स तुसी की मनना सी भी आ से एक्स वैल्यू पुट की, सन आ गया 15 साल का, फादर आ गया 45 साल का, पर यह उम्र कदों की आई है भी, है भी सुमित कदों की आई है, यह उम्र कदों की आई है, 5 साल बाद की आई है, उन्हें की पूछा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट आने वास्ते 5-5 साल सोनू पिछे जाना पू, तो फादर आजू 40 साल, सन आजू 10 साल, हूँ तो क्लीयर हो गया हो भी सारियां नूं कि नहीं, ठीक है क्लीयर है सर, ओके भी बहुत वधिया गल है, चलो भी अगला 6 नंबर दसो भी, 10 ईयर अगो 10 साल पहला है ना, सीता मदर वाज 4 टाइम ओल्डर दैन हर डॉटर, ये सीता दी मम्मी, मम्मी कह दा मैं ते सीता कह देना, ठीक है, मम्मी सी 4 गुना ते सीता सी 1 गुना, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद मदर विल बी 2 टाइम्स ओल्डर दैन द डॉटर, मदर ते सीता दी है, सीता दी उम्र कितनी होगी, 2:1 हो, ठीक है, वट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सीता, प्रेजेंट एज दस दोगे, मैं नहीं लगता ये कुछ लोड़ है, दसो भी करा दें, होमवर्क दे दें, कर लोगे ना, हूँ तो हो जूगा ये, रवि हाँ जी बाकी जने दसो भी जल्दी जल्दी दसो, फिर मीटिंग दे 40 मिनट पूरे हो जाएंगे, फिर कट्टा जाऊगा, फिर आप हो करी जावे ऐड, दसो दसो सारिका हाँ जी, ठीक है भी होमवर्क है, नवी गल नहीं, सिंपल है, कर दोगे तुसी। 7वां सवाल ओके की कहिंदा ये भी पढ़ो, 1 ईयर अगो, हाँ भाई 1 साल पहला, रेशो बिटवीन समीर एंड अशोक,
समीर ते अशोक विच रेशो किनी सी भी एज दी 4:3 सी। वन ईयर हैंस 1 साल बाद रेशो किनी हो गई भी उन्हां दी समीर ते जड़ा ए फॉर जड़ा भी एप्पल 5:4 हो गई। वट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, ये भी उस नाल दी है। बस एंड विच उन्हें की पूछ लिया, एंड च की पूछता सी समीर ते जड़ा ए फॉर अशोक है दोहां दी की पूछता सी उम्र पूछता सी पहला। हुण की कहिंदा दोहां दा जोड़ दसो मैनू, तां जोड़ दे यार किड्डी गल है, ठीक है हो जूगा भी ठीक है। 8वां सवाल जल्दी करो, सारिका का भी आ गया आंसर, होर भी कौन रह गया, महेश जी थोड़ा आ गया ठीक है, सुमित है, सुमित ने करता भी, लो भी सुमित थोड़ी तो इन्नी तेज स्पीड है यार, तुसीं कहिंदे घट है जी, आ गया सर जी ठीक है भी, खुशी दी गल है। 9 नंबर सवाल सुनो भी ध्यान नाल, स्टार ला लो, पेपर च आना हुंदा है, जिहड़े कराए भी वह भी आने होंगे पेपर च। द सम ऑफ एज ऑफ द मदर एंड हर डॉटर, बई मदर ते डॉटर दी एज दा सम किन्ना है, 50 ईयर 50 साल है। ओके आलसो 5 ईयर अगो, बई 5 साल पहला द मदर एज वाज 7 टाइम एज ऑफ द डॉटर, मदर दी, हाँ भी मदर ते डॉटर दी रेशो किन्नी दित्ती हुई सीगी, रेशो दित्ती सुने 7:1 दित्ती सी, इत्थे लिख लैंदा मैं, 5 साल पहला मदर ते डॉटर दी रेशो सी 7:1 सी। ओके ठीक है, वट आर द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड द डॉटर, प्रेजेंट एज पूछा भी मदर ते डॉटर दी, दस सकते आपां, हाँ भी कहना सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर किन्ना सी 50 साल सी, मदर ते डॉटर दा सम किन्ना सी 50 साल सी, वह भी प्रेजेंट सी ठीक है, पिछली बार तीर जा गलत मार लिया तो मैंने भुलेखा लग गया। कहना आलसो 5 ईयर अगो, 5 साल पहला मदर ते डॉटर दी रेशो, एज दी रेशो किन्नी सी 7:1 सी, प्रेजेंट एज पूछिए मदर ते डॉटर दी, मदर ते डॉटर दी प्रेजेंट एज, सिंपल है। लो देखो समझो गल, जिहड़ी ये रेशो है ये रेशो कदों दी है, 5 साल पहला दी है, ते जिहड़ा सम है तुहाडे कोल ये कदों दा है, ये हुंदा है, रेशो भी 5 साल पहला दी, सम तुहाडे कोल अज दा, तां तुसीं रेशो नूं इहदे विच वंडन लई तुहानूं जिहड़ा सम है वह भी तो 5 साल पहला दा चाहिदा होगा कि नहीं, तो 5 साल तुसीं पहला चले जाओ ठीक है। मदर ते डॉटर दा 5 साल पहला सम किन्ना होगा भी, 45 साल होगा ना भी, किन्ना होगा 40 साल होगा, जिन्ने साल दी मदर घटूगी उन्ने साल दी डॉटर भी तो घटूगी ठीक है, इत्थे ध्यान रखियो इत्थे गलती नहीं करनी बस ठीक है। बंदा की करता 5 साल घटा दिंदा, कहिंदा भी 45 साल हो गया, लो भी मदर ते डॉटर दा सम किन्ना हो गया 40 साल, कदों 5 साल पहला, रेशो किन्नी सी उन्हां विच भी 7:1, तो टोटल हिस्से किन्ने हो गए 7 ते 1 8 हिस्से, 8 हिस्से नूं मैं भी 40 दे बराबर लिखदा, 40 साल दे 1 हिस्सा बराबर भी 5 साल दे बराबर आ गया। लो भी मदर की एज किन्नी आ गई, डॉटर की सॉरी 5 साल, तो मदर की किन्नी आ गई 5 7 35 ठीक है। हिस्से बंटे भी होर कुछ नहीं करया मैं, 1 हिस्सा जो 5 के बराबर है तो 1 हिस्सा यह 5 डॉटर को, 5 साल की डॉटर आ गई, 7 5 35 साल की कौन आ गई, मदर आ गई, पर यह कदों की उम्र है, 5 साल पहला की उम्र है, उन्हें की पूछी है प्रेजेंट, तभी प्रेजेंट लई तुसी की आओगे 5 साल अगे जंप मारोगे, यदि आ गई सी 35 तो यदि आ गई सी 5 साल ठीक है, एक कदों की उम्र आई सी 5 साल पहला दी आई सी, तो 5 साल आप ऐड करी सी, मदर आ गई 40 साल की, डॉटर आ गई सी 10 साल की, क्लीयर है ना सारे भी यह, दस्यो मैंने जल्दी, रेशो जो 5 साल पहला दी है तो आप 5 साल पिछे चले गए साम के, जे रेशो अगे की दे तो अगे आप ऐड कर लाँगे, अगे आऊगा इस नाल का सवाल ऐड करने वाला भी ठीक है। सुमित ठीक है, हाँ बई इस सवाल तुसी इदा भी कह सकते हो किमें बई मदर ते डॉटर का सम सी एज का किन्ना 50 साल सी, ते सोनू जिहड़ी रेशो सी मदर ते डॉटर की 5 साल पहला दी किन्नी दे रखी सी 7:1 दे रखी सी ठीक है। मैं इत्थे कहदा मदर की एज किन्नी है एक्स है, तो डॉटर की किन्नी होगी 50 - x होगी है ना, एक कदों की एज है भी प्रेजेंट की एज है, तो मैं कहा सी ना सवाल तुसी प्रेजेंट तो शुरू करना है
लो भी मदर ते डॉटर एक्स, मदर दी प्रेजेंट है ते डॉटर दी कितनी है 50 माइनस एक्स। यह रेशो कदों दी है भी 5 साल पहला दी, तो 5 साल उम्र मदर दी कटा दो ते 5 साल उम्र डॉटर दी कटा दो, किहदे बराबर रखोगे रेशो 7:1 दे। करो भी सॉल्व, एक्स की वैल्यू की है आंसर थोड़ा, एक्स की मनना सी मदर मननी सी तो मदर आ गई सीधा, एक्स की वैल्यू इतने भी आ जूगी 40 आ जू, तो जोड़ा डॉटर हो जूगी 50 चो 40 घटा के डॉटर जोड़ी होगी 10 साल आ जूगी, आंसर सेम आऊगा। ठीक है भी दोहे तरीके है आह तो आह ओके बी साहब च आ गई सुनू कहानी है ना। लो भी अगे चलता मैं दसवां सवाल, कहना सम ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर, सन ते फादर द सम एज द सम किन्ना भी 56 साल है। ठीक है आफ्टर 4 ईयर 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम दैट ऑफ सन, फादर ते सन दी रेशो किन्नी होगी भी, फादर 3 टाइम है मतलब 3:1 होगी। ठीक है व्हाट इज द एज ऑफ द सन, सन दी एज पूछी है आप दोहां दी दस दांगे। ठीक है भी पिछले सेम सवाल कराया, पिछले च की सी ओह तुसी 5 साल पहला दी रेशो दित्ती सी, ऐतकी भी उन 4 साल अगे दी देती, तो मैं की कहा सी भी शॉर्टकट अपना की सीगा, ये सम कदों दा तुहाडे कोल कदों दा प्रेजेंट दा सम है ते रेशो कदों दी है 4 साल बाद दी रेशो है, तो तुसी सम नूं भी 4 साल बाद दा लियाओगे ता ही डिवाइड कर सकते हो टोटल हिस्से फलाने दे बराबर। लो भी 56 विच 4 जोड़ोगे 60 ना 64 साल। ठीक है ना सन ते फादर दोहे दोहे 4 साल वो वड्डा हो ते 4 साल वो वड्डा हो। ठीक है लो भी तो एक हिस्सा ते 3 हिस्से 4 हिस्से बराबर की दे आ गए 64 दे, एक हिस्सा बराबर भी 16 चौके 64 16 दे बराबर आ गया। लो भी सन आ गया 16 हिस्से ते फादर आ गया 16 तिया 48। ठीक है 16 तिया 48 दे आ गया ओके अभी ता, पर उन्हें की पूछा की सी उन्हें उन्हें प्रेजेंट एज पूछी वह भी सन की, हूँ यह उम्र आ तो गई सन ते फादर की पर कदों की आई है यह 4 साल बाद दी आई है, तो 4 साल की बग जाओ बैक बग जाओ कि आ गई भी यदि 12 साल यदि आ गई 44 साल, सन की भी 12 साल आ गई सिंपल है। ठीक है सेम गल ही सी पिछली वाली सारिका ने आंसर देता भी शाबाश ओके अभी सुमित ठीक है सुमित दसो भी हाँ जी ठीक है, तो दूजी वाली इक्वेशन भी बना लोगे जो दूजा तरीका मैं कराया सी है भी सन सॉरी सन ते फादर दा टोटल से 56 सी ते 4 साल बाद दी रेशो दे रखी सी कितनी भाई 1:3 दे रखी सी। ठीक है मैं कहा सी कोई एक मान लो एक्स है तो फादर सन जे एक्स दा होगा फादर कितने दा होगा 56 माइनस एक्स दा हो। लो भी प्रेजेंट तो आप शुरू करते होंगे है ना एक्स ये आ गई 56 माइनस एक्स। लो भी सन यह जी रेशो 4 साल बाद दी है तो 4 साल तुसी अगे आ जाओ बराबर कि 1:3 क्रॉस करो भी आंसर सेम आऊगा। ठीक है ओके 11 नंबर सवाल करो आपे हूँ करो करा दें कोई गल नहीं तो सुनो इधर देखो कुछ नहीं उही गल बात है, कहना सम ऑफ द प्रेजेंट एज, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन, फादर ते सन द सम किन्ना भी 56 साल है, 4 ईयर हैंस 4 साल बाद दी हो रही है गल है ना, द सन एज विल बी 1/3 ऑफ द फादर, जड़ा सन होगा जे फादर एक है तो सन किन्ना होगा वह 1/3 हिस्सा होगा, जब तुसी सीधा कह सकते हो भी जे फादर एक 3 साल का है तो सन किन्ने साल का 1 साल का हो, तुसी इदा भी कह सकते हो। ठीक है ना याद है ना रेशो आप फ्रैक्शन डिनोमीनेटर वो कर देने होंगे लघुत्तम लैके गुणा कर देना, डिनोमीनेट तो 3 ही है 3 गुणा करके ठीक है 3 रेशो बनूगी उरे हों। ठीक है भी गल हूँ देखो भी 4 साल बाद दी रेशो किन्नी है 3:1 है, जिहड़ा सम है सम तुहाडे कोल कदों दा प्रेजेंट है तो तुहानूं सम भी तो 4 साल बाद दा चाहिए। ठीक है 4 साल बाद की होगा भी हाँ भी
चार जुड़नगे ये अठ जुड़नगे अठ जुड़नगे कि आजूगा ये चौंह आजू लो भी तो तीन तो एक चार हिस्से बराबर चौंह दे एक हिस्सा बराबर सोलह चौकड़ चौंह सोलह दे लो भी एक हिस्सा सन आ गया सोलह दे ते फादर आ गया अड़ताली दे पर यह उम्र कदों की आई है यह उम्र आई है चार साल बाद आई है तो चार चार साल ये घटा दो लो भी बारह साल का मुंडा आ गया चौताली साल का पापा आ गया ठीक है सुमित हूँ ठीक है दूजा तरीका भी कर दोगे फादर ते सन छपंजा लो भी फादर जे एक्स दा ते सन कितने दा हो छपंजा माइनस एक्स दा होगा लो भी प्रेजेंट तो शुरू कर लो ठीक है रेशो कदों की सी चार साल बाद दी सी तो चार साल अगे आ जाओ ठीक है तो किन्नी रेशो के बराबर रख दोगे तुसी तीन एक रेशो से लो भी बस सिंपल जमी सिंपल है ठीक है प्रैक्टिस करो दोबारा करो बोलो भी चलना बारह नंबर भी कुछ नहीं सिंपल है कहना रेशो फादरज एज टू द सनज एज इज फोर रेशो एक फादर ते सन की रेशो कितनी है चार रेशो एक है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 196 दोहां दी गुणा दी फादर ते सन की उम्र जे आप गुणा कर दिए तो कि आंसर आ 196 आ वट विल बी द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर फाइव ईयर पांच साल बाद फादर ते सन की रेशो किन्नी होगी एज की रेशो किन्नी हो ठीक है लो भी प्रेजेंट तो सवाल शुरू कर दें आपां जे फादर चार एक्स है सन एक एक्स है दोहां दी गुणा 196 दे बराबर है तो चार एक्स गुणा एक एक्स बराबर 196 दे चार एक्स स्केयर बराबर 196 दे बराबर आ गया इनू कट्टो भी चौकी चौकी 16 नौ चौगा 36 एक्स स्केयर 49 दे बराबर एक्स बराबर आ गया 7 दे ठीक है लो भी फादर किन्ने दा आ गया सन किन्ने दा आ गया 7 दा फादर आ गया 7 चौगा 28 दा एक उदों दी उम्र है हुण दी उम्र है प्रेजेंट उम्र है उन्हें की पूछी है पांच साल बाद दी रेशो तो पांच पांच साल दोहां च ऐड कर दो आ गया पांच सत्त बारह ये आजूगा भी किन्ना 33 आ रेशो बन गई सिंपल इनू होर भी कट सकते हो चार रेशो 11 कट सकते तीन दे पहाड़े च कटता ठीक है भी 13 नंबर सवाल ट्राई करो सारे सिंपल है कुछ भी नहीं है रेशो ऑफ रीताज एज टू द एज ऑफ हर मदर रीटा ते मदर दी रेशो कितनी है 3:11 द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 24 ईयर दोहां दा डिफरेंस कितना है ओदी मदर ते रीता दा डिफरेंस कितना है 24 साल दा व्हाट विल द रेशो ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर सिंपल ते मिलन टू सवाल है यार लोग भी सारे गाने आंसर भी देता ठीक है भाई रेश रीटा को तीन हिस्से ओदी मम्मी को 11 हिस्से दोहां दा फर्क किन्ना है 24 साल है दोहां दे हिस्सों दा फर्क किन्ना है किन्ना भी 8 तो 8 हिस्से बराबर कि दोगे 24 दोगे एक हिस्सा बराबर भी 8 तिया 24 लो भी तो रीटा किन्ने दी आ गई 3 9 ते ओदी मम्मी किन्ने दी आ गई 33 साल दी ये तो ओदी प्रेजेंट एज आ गई उन्हें की पूछे रेशो पूछे 3 साल बाद दी तो 3 साल ये ऐड कर दो यार होर की है ये आजू 36 दी ये आजू 12 दी लो भी 12 ते 36 ओदी उम्र आ गई 3 साल बाद दी रेशो पूछिए तो रेशो होर कट लो 12 ते 36 एक रेशो 3 आ गया सिंपल कुछ भी नहीं जमी बेकार सवाल है भाई ओके हाँ रवि तुसी प्रेजेंट उम्र दसी है पर उन्हें आफ्टर पूछा सी ना तो आप ध्यान रखना उन्हें पूछा की है आफ्टर पूछा है बिफोर पूछा है की पूछा है तो आप उस हिसाब नाल आंसर देना है ठीक है आ भी करो भी 14 नंबर सवाल करके देखो फटाफट ठीक है जमें सिंपल सी कुछ भी नहीं सी जिहड़ा स्टार्टिंग दे विच पहला सवाल कराया उस नाल दा सी है ना लो भी अगला भी कर दोगे फिर 15 नंबर ये भी करो फिर सुमित ने आंसर दिता सीगा सुमित 16 नंबर लास्ट सवाल है भाई ठीक है ए मैन एज इज 125% ऑफ व्हाट इट वाज 10 ईयर अगो ठीक है मैन दी एज 125% है जिन्नी इहदी उम्र 10 साल पहला हुंदी सी
बट 83.3% ऑफ वट इट वॉज आफ्टर 10 ईयर। दो गलना कह गया यार, ठीक है। वट इज द प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज पूछी है कुछ नहीं, तुम ऐ करो प्रेजेंटेज मान ही लो, प्रेजेंटेज हैगी मान लो एक्स, ठीक है। जे प्रेजेंट एज एक्स है तो हूँ दोबारा तो पढ़ो सवाल, उन्हें की है मैन एज इज 125% ऑफ वट इट वॉज 10 ईयर अगो, मतलब जिनी 10 साल पहला होगी, हूँ तो एक्स है तो 10 साल पहला कि एक्स माइनस 10 ओदा 125%, तो 83.3% होगी किन्नी आफ्टर 10 ईयर, हूँ कि एक्स है तो आफ्टर 10 ईयर कि एक्स प्लस 10 होगी, ठीक है। तो यह की है दोहे बराबर होंगे, कुछ नहीं कहा उन्हें, कहना जिनी वो 10 साल पहला उम्र होगी वह 125%, तो जिनी वो 10 साल बाद उम्र होगी 83.3%, वह की आपस बराबर है। प्रेजेंट एज पूछा, प्रेजेंट एज तुम एक्स मान रखी, एक्स की वैल्यू आंसर है, ठीक है। पर एक बस ये चक्कर है, माड़ा जहा चक्कर है, बस कुछ नहीं, जरा इन स्टार लगा के लिख लियो, 83.3 जो होंगे वह 5/6 के बराबर होंगे, परसेंटेज तुम्हें दसा सुनो जी याद हो, ठीक है। तुम यगह 5/6 भरना है, फिर सवाल की पैजू थोड़ा सौखा पैजू, ठीक है। होर कुछ नहीं, बाकी कट दो 25 5 25 14 100, 5 5 इदा कट्टया करो, ठीक है। आई नहीं भी इन इधर गुणा करके थले लियाए, ठीक है। इधर दी कटता 5 सी, इधर 5 सी, मैं इधर ही कटता, ठीक है। आ देखो 6 ते 4 नूं किवें कट्टूं मैं, 2 2 4 3 2 6, आ सामने वाले इधर ही कट दिया करो, आई नहीं भी इधर गुणा करके इधर लियाओगे तो फिर कट्टोगे, समझ रहे हो गल, ठीक है। इन्हू फिर क्रॉस कर दो भी 3x 30, ये आज 2x 20, एक्स रह गया तो उधर 50 गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, मतलब प्रेजेंट एज कितनी सी उहदी भी मैन दी 50 साल है, सिंपल। ओके भी तुसी सारे टाइप सीख ले, ठीक है। छोटा ही चैप्टर सी, खास गल है नहीं सी, जवाकां दा कम सी इहदे च, ठीक है। ते भी कम क्लास दे विच हो रहा, वो थोड़ा जां 100 तों 100% थोड़ा रिपीट होना चाहिए गा, ठीक है। घरे बह के घरे तो बैठे हूँ भी, ठीक है, तुसी नाल दी नाल उहनूं रिपीट करना, रिवीजन नाल दी नाल रखो, अप टू डेट रहो जमा। हूँ थोड़ा जिहड़ा अगला चैप्टर है वह है प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत वड्डा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बहुत है, तो तैयार रहो ये वास्ते, ठीक है। टाइम पे आ जाओ सारे कल तुसी, ठीक है। गुड नाइट भी सारे नूं, कल मिलते, ओके।